ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं वी फोर वीडियोस। तो यहाँ पे मेरे पास एवरेडी का एक इमर्शन रॉड वाटर हीटर, वैसे यहाँ पे मेरे पास एक ने दो है, एक नया वाला है और एक पुराना वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक जो भी इमर्शन रॉड यूज़ किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट मुझे ये एवरेडी का ही लगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी होता है, यानी कि इसमें करंट लगने के चांस बहुत कम है। बाकी का इस वाटर हीटर की लाइफ भी ज़्यादा रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस नए वाले को तो नहीं लेकिन इस पुराने वाले को ओपन करके यानी कि काट के देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होता है या फिर बोलो कि इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे जो वायर और रॉड के बीच कनेक्शन होता है उसे किस तरीके से ढका गया है, और इसीलिए ये वाटर प्रूफ है। जबकि नॉर्मल रॉड में ये ओपन होता है तो नॉर्मल रॉड में यहाँ पे करंट आने का खतरा होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इसे काटना शुरू करते हैं। तो जब भी मैंने इसे काटना शुरू किया तो मैं आपको सबसे पहले चीज़ दिखाता हूँ, ये रॉड बनाई गई है कॉपर से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखो कॉपर ही है और इसके बॉक्स में भी कॉपर ही लिखा था। तो इसे मैंने फाइनली पूरा कट कर दिया यहाँ से और ऐसे मोड़ दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, ये देखो इस रॉड के अंदर एक वायर लपेटी गई है जो कि बिल्कुल बीचों बीच से पूरे रॉड में होकर गई है। और ये देखो ये वही वायर है, ये शायद नाइक्रोम वायर है जो कि हीट होती है और रॉड गर्म होती है और पानी गर्म होने लगता है। और आप लोग देखते हैं यहाँ पे सफ़ेद पाउडर है जो कि शायद मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे आप लोग फिर से ध्यान से देख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीचों बीच में इस नाइट्रोम वायर को लपेटा गया है जो कि पूरा कवर है एक कॉपर के पाइप से। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड इंसुलेटर की तरह काम करता है जो कि हीट को तो बाहर जाने देता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को बाहर रॉड में नहीं आने देता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक इमर्शन रॉड वाटर हीटर के अंदर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी वालों ने कोई दूसरा वायर यूज कर लिया हो, वैसे होता तो नाइक्रोम वायर ही यूज हीटर वगैरह में, लेकिन क्या पता कोई नया वायर खोज लिया हो। और यहाँ पे जो व्हाइट पाउडर था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होना चाहिए, लेकिन क्या पता ये भी कोई दूसरा चीज हो। तो मेरा काम था आपको दिखाना कि इसके अंदर क्या होता है, तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी का वाटर हीटर में जो कॉमन चीजें यूज होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन हो सकता है कि कंपनी वालों ने कुछ दूसरा यूज किया हो, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।